हर खबर पर आपकी नजर, बेताब समाचार। हमारे साथ मौजूद हैं एम राजा एडवोकेट साहब, जो जिलाध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मेयर के चुनाव में 1,28,000 से ज़्यादा वोट पाए हैं। तो फहीम साहब, सबसे पहले तो पार्टी को इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। इस पर क्या प्रतिक्रिया है, जिस तरह से पार्टी आपकी दूसरे नंबर पर रही और आप कामयाब नहीं हो सके मेयर के लिए, क्या कारण रहे ये? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग बहुत ज़्यादा कामयाब हुए हैं। ना कामयाबी का तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें इतना वोट मिला, इतना प्यार मिला लोगों का, इतना सम्मान मिला, उम्मीद से ज़्यादा हम लोग वोट पाए। और उन लोगों को ये जवाब मिल गया जो लोग हमें ये समझते थे कि हमारी पार्टी कहीं कुछ नहीं है और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही, बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पर रही, हम दूसरे नंबर पर रहे। 1,28,000 से ज़्यादा हमने वोट पाए। ये हमारे संगठन की मेहनत थी, लोगों की प्यार था, बहुत दुआएं की हमारे लिए लोगों ने। हम जहाँ तक नहीं पहुँच पाए, उन लोगों ने कहा कि आप नहीं भी आओगे तो भी वोट पतंग हो जाएगी। तो हम कामयाब हैं, नाकामयाबी का तो मतलब ही नहीं। और अभी हमारा दूसरा चुनाव था, लोकसभा की तैयारी चल रही है हमारी। हमारे बहुत मजबूत कार्यकर्ता हैं, मेहनत कर रहे हैं। सदने से हमारे पास आए हमारे ज़िले के मुख्य महासचिव सैयद राणा जी हैं, खालिद भाई हैं, हाजी मुन्ना जी हैं, हाजी जाकिर साहब हैं, और अभी हमारे डॉक्टर हनीफ राणा हैं, जिन्होंने अभी पार्टी ज्वाइन की है। और हम लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं और हम सड़कों पर आ चुके हैं, लोकसभा में जीत रहे हैं। अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेरठ में अचानक से एकदम दूसरे नंबर पर मेयर के प्रत्याशी पे पहुंच जाना, सारा मीडिया, जितने राजनीतिक पंडित हैं, सब लोगों में बहुत ही एक अचंभा है और बहुत ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया। तो ये क्या है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय को कोई नेतृत्व नहीं मिल रहा है या उनकी समस्याएं हल नहीं हो रही हैं, क्या मानते हैं आप? देखिए, मुसलमानों को तो सन देखा जाए तो 75 साल हो गए लगभग, कभी उसको मिला ही नहीं है कुछ, ना मान सम्मान मिला है, ना उसे रोज़गार मिला है। मुसलमान तो जब से देश आज़ाद हुआ है, सभी पार्टी ने इस्तेमाल किया और फिरता आया है। उसके साथ तो शोषण हुआ है, हमारे साथ हमेशा धोखा होता रहा। और रही बात अचानक नहीं हुआ, 10 साल से यहाँ मेहनत चल रही है मेरठ में, यहाँ के उत्तर प्रदेश में बराबर मेहनत चल रही थी। वो लोगों की गलतफहमी थी कि हम लोग कहीं नहीं है, ये आवाम ने दिखा दिया कि हम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये कहना गलत है कि हम अभी आए हैं, 10 साल की मेहनत है हमारी, संगठन की मेहनत है, लोग दुआएं करते हैं हमारे लिए, ऐसा नहीं है। और अब वैसे भी हम लोगों को देखिए, सभी समाज ने हमें वोट किया है, हमें दलित समाज से ही वोट मिला है, शोषित जितने भी समाज, सब ने हमें वोट किया है, हमें हर बूथ से वोट मिला है। कोई ऐसा रहा कि जहाँ से हमें वोट नहीं मिल पाया, बाकी हमें सबने वोट दिया, सबका प्यार मिला। क्योंकि सभी धर्म ये चाहता है, सभी जाति ये चाहती है कि इस बार बदलाव चाहिए। और मेरठ में बदलाव की लहर थी, वो थोड़ा सा बैड लग रहा है हमारा कि हम किसी वजह से रह गए, लेकिन इंशाल्लाह लोकसभा हम जीतेंगे और अगली बार मेयर भी हमारे निकलेंगे। 2024 के लोकसभा की क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, 2024 में लगभग हमारी पूरी तैयारियां हैं, हम चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन होता है ठीक, नहीं होता है तो भी ठीक, हमारे सदर साहब का, बैरिस्टर साहब का आदेश है कि हम चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। तैयारी चल रही है हमारी, हमने चुनाव जिस दिन हुआ था उससे अगले दिन ही हम सड़कों पर आ गए थे, हमने मीटिंग की किडोर में। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारा सरदाना में प्रोग्राम होने जा रहा है, अब्दुल्लापुर में प्रोग्राम होने जा रहा है, और भी बहुत सारी जगह से प्रोग्राम चल रहे हैं। हम दिन पर दिन बढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह, मीटिंग होती रहेंगी, लोगों के पास जाते रहेंगे, हम लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे। हमारी कहीं गलती रही है तो हम उस गलती को भी मानेंगे। बेताब समाचार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।